हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये है मैक्स 2023 और इसमें क्या क्या नए फीचर्स आए हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। जो मोटे मोटे तौर पे मैं समझ चुका हूँ कि दो तीन अपडेट्स इसमें काफ़ी अच्छे आए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और पहली चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि सपोज़ मैंने यहाँ पे एक प्लेन लिया, ये टॉप व्यू में प्लेन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें सेगमेंट दे देता हूँ, ठीक है। पहले इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ये। और नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें सेगमेंट बढ़ा देता हूँ, ठीक है, सेगमेंट काउंट समथिंग ये दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एडिटेबल पॉली, मैंने एडिटेबल पॉली किया, मैं आया हूँ वर्टेक्स मोड पे। तो वर्टेक्स मोड सपोज ये है हमारा, मैं इन तीन चार वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सॉफ्ट सिलेक्शन लिया मैंने, यहाँ पे गया मैं सॉफ्ट सिलेक्शन पे, मैंने ऑन कर दिया समथिंग, मैंने इसको ऊपर उठाया, ठीक है, इस टाइप से ऊपर उठा दिया समथिंग। उसके बाद मैंने क्या किया, ये और थोड़ा सा ऊपर कर दिया, और यही पार्ट जो ऊपर उठाया हुआ है इसको मैं इधर की तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो वर्टेक्स है इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आया मैं, कुछ इस टाइप का एक इसका जो फंक्शन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाए चेक करने के लिए, ये अभी मैं समझाता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, हो गया मेरे पास ये, मैंने ये किया। और मैं इसको टर्बस में दे देता हूँ, टर्बस में, ठीक है, ये टर्बस में दे दिया। अब ये देखिए कुछ इस टाइप का आपके पास ये आ गया। अब सपोज करो मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, ठीक है, टॉप व्यू में, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, मैं वर्टेक्स मोड पे जाया, ये वर्टेक्स मोड। इसके बाद देखिए, अगर ये हैवी वाला पार्ट है, मैं इसको भी एडिट पॉली कर देता हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा हैवी मैच रहे, इसको कोलैप्स टू यस कर देता हूँ, यस, ठीक है। ये आ गया एडिटेबल पॉली मोड पे, ठीक है, मैं वर्टेक्स मोड पे जाता हूँ, क्या क्या मैंने वर्टेक्स मोड। अब यहाँ पे जो फंक्शन मैं समझाना चाह रहा हूँ वो देखिए, इसमें एक फंक्शन आया हुआ है कि हम यहाँ से जैसे टॉप में सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है, ये टॉप में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मैंने एक कंप्लीट सिलेक्शन कर दिया वर्टेक्सेस का, ठीक है। अब इसमें एक भी वर्टेक्सेस छोटा नहीं होगा क्योंकि मैंने ये टॉप से पूरा ये जो सिलेक्शन विंडो है मैंने इसको पूरा यहाँ से कंप्लीट इंसर्ट कर दिया। देखिए अब ये एक भी इसमें वर्टेक्स आपको डिसलेक्ट हुआ नहीं दिखेगा, देखिए, ठीक है, ये देखिए। अब सपोज करो कि आप ऐसा चाह रहे थे कि इसमें मैं यहाँ से अगर ड्रैग कर रहा हूँ तो जो ऊपर का पोर्शन है जितना भी वही पार्ट इसका सेलेक्ट हो, और इसके डाउनर मतलब जो ये जो आपको ये रॉक टाइप का दिख रहा है इसके नीचे का बैठक से सेलेक्ट ना हो। तो ये मैक्स 2023 में इन्होंने क्या फीचर्स दे दिया है 2023 में, देखिए मैं वर्टेक्स मोड पे गया, यहाँ पे आपके पास फंक्शन है बैक फेस और ऑक्लूडेड। तो ऑक्लूडेड पे जिस मैं क्लिक करता हूँ, अब वर्टेक्स मोड पे हूँ मैं, यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ इसको, देखिए, ठीक है, मैंने ड्रैग किया। अमूमन आपको ये लग रहा है कि ये सारा सेलेक्ट हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। आप जस्ट इस रॉक के नीचे जो ये वाला पार्ट है इसके नीचे जाके देखेंगे तो वो पार्ट आपको डिसलेक्टेड दिखेगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, ये देख सकते, ये इन्होंने इसमें नया फीचर दे दिया, ठीक है। इसी के जस्ट सामने है बैक फेस। बैक फेस के लिए पहले हमें कहाँ जाना पड़ता था, डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाते थे तो हम बैक फेस कल करते थे, यहाँ से देखिए। अब शायद इन्होंने यहाँ देखो डिस्प्ले बैक फेस कल, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज आप कुछ एनिमेशन का काम करें जहाँ पे आपको मॉर्फ करना है किसी फेस को, तो वो आपको पर्टिकुलरली कुछ वर्टेक्स सेलेक्ट करने होते थे तो बैक साइड के भी सेलेक्ट हो जाते थे, तो यहाँ पे आपको बैक फेस का ऑप्शन भी इन्होंने प्रोवाइड करवा दिया है। ये मैक्स 2023 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये वाला, अब ये वाला पर्सपेक्टिव व्यू में मैं क्या कर रहा हूँ, बैक फेस पे आया, मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया, देखिए, ठीक है, ये। अब आपको क्या लग रहा है कि ये पूरी जो यहाँ तक गया हुआ है इसके बैक साइड के भी वर्टेक्स सेलेक्ट हुए होंगे, नहीं, बैक फेस में नहीं है। देखिए बैक फेस का ये देखिए जितने पार्ट यहाँ ये दिखा रहा है जहाँ सेलेक्शन आया था उतना दिखा रहा है, उसके बैक साइड के नहीं हुए, ठीक है। इस टाइप से आप इसमें बैक फेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नया अपडेट इसके बारे में और बताता हूँ मैं, ठीक है। अब ये वाला तो आप समझ चुके हैं कि इसमें नए फीचर्स आया है, इसके बाद का अगला फीचर्स मैं बताता हूँ आपको, मैं इसकी डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, सपोज मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है,
और ये ट्रायंगुलर शेप में मैं इसको मेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रायंगुलर शेप कैसे दूंगा, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं सीधे सीधे गया गारमेंट मेकर पे, यहाँ पे मैं किस पे गया गारमेंट मेकर, इसके ऊपर मैं मेस लगाना चाहता हूँ। तो ये देखिए गारमेंट मेकर, ये ट्रायंगुलर मेस आ गया इसमें, ठीक है, एज यू कैन सी। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। ये अब ये देखिए मैं इसको कन्वर्टेबल पॉली कर रहा हूँ, मतलब कॉलेप्स हो गए, ठीक है, ये समथिंग ये कर दिया मैंने। अब यहाँ देखिए आप इसको रिटोपोलॉजी कर सकते हैं, कैसे, मतलब इसको प्रॉपर मैस क्वाड मैस में दिखा सकते हैं, कैसे, यहाँ पे गए, इसमें एक फंक्शन दिया है उन्होंने रिटोपोलॉजी, देखिए रिटोपोलॉजी पे गए, ठीक है। आपने क्या करना है, ये सिलेक्शन में है, यहाँ पे कंप्यूट करना है, यहाँ पे आपको फेस यूनिट दिया हुआ 500, इसको कर दीजिए आप जितने कम करने हैं अकॉर्डिंग टू योर मैस, ठीक है। मैंने 100 कर दिए या 1500 के आसपास आप कंप्यूट करता हूँ, तो ये कैलकुलेट कर रहा है और ये देखिए ये आपके मैस को ये बना देगा। इससे ज़्यादा अगर आप करते हो, सपोज़ मैं इसको 2000 कंप्यूट वाले में ले रहा हूँ, तो ये क्या करेगा आपके मैस को थोड़ा हाइट कर देगा। इससे कम चाहिए तो सपोज मैं इसे 100 कर देता हूँ, तो ये उस हिसाब से आपके मैस को बना देगा, ठीक है। एक एडवांस फीचर इसमें आया हुआ है, दो चीज़ें आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट इसमें एक और फीचर्स आया हुआ है, जो इंटरेस्टिंग फीचर्स है वो ये वाला है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते थे, प्रोजेक्ट को बार बार सेव करने के लिए हम यहाँ पे जाते थे, सेव करते थे कंट्रोल एस करके या उसकी कॉपी बनाने के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, तो मैं इसको यहाँ ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ फिलहाल, ठीक है, यहाँ पे रख दिया मैंने। देखिए तो ये फीचर्स इन्होंने दिया है, आपको करना क्या है कि ये देखिए 9 सेकंड का यहाँ पे बैकअप दिखा रहा है, कि मतलब तुरंत अपने आप ये ऑटो सेव होता जाएगा। ये ऑटो बैकअप का नहीं, ऑटो बैकअप आप अलग से बनाते हो, वो कहाँ से जाते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज पे गए, यहाँ पे प्रेफरेंस पे गए, और यहाँ से आप देखिए फाइल्स पे गए, यहाँ ऑटो बैकअप वाली फाइल्स कहाँ बनती है, यहाँ पे देखिए बैकअप, ये दिख रहा है आपको कितने आप बैकअप चाह रहे हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ बैकअप फाइल्स 10, ठीक है, ये अलग चीज़ है। और यहाँ पे आप इंस्टेंट इसको देखो क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिकली 15 सेकंड के दौरान आपका डेटा सेव करता रहेगा अपने आप ही, तो आपको इसको क्लिक करना है। देखिए मैं इस पर गया, इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ देखिए ये आपने फीचर्स ऐसा कर दिया कि अपने आप ये सेव करता रहेगा आपका प्रोजेक्ट को, ठीक है। सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको रिटोपोलॉजी को भी इसमें क्या कर रहा हूँ, इंक्लूड कॉलेप्स डीएस, ठीक है। अब आपने जो भी काम किया है सपोज इसमें, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपका ये पार्ट सेव करता जाएगा, ये ठीक है सेव कर रहा है, ऑटो बैकअप कंप्लीटेड, मतलब इसका बैकअप बना दिया उसने। ये एडवांस फीचर्स में दिए गए, ठीक है, जितनी बार आप करोगे वो यहाँ पे आपको शो कराता जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऑटो बैकअप वाला, तो जनरली ये दो तीन फीचर्स इसमें अच्छे आए हुए हैं। और दूसरी चीज, इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ, मतलब इसमें लग रहा है कि जब आप काम करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अपडेट इसका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। दो तीन फीचर्स इसके काफ़ी अच्छे आए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सेम मैक्स 22 की तरह है, थोड़ा इसमें कुछ फीचर्स इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं जिससे थोड़ा सा इससे पावरफुल हो जाता है। और ये टूल आप इसके लिए वीरे सपोज 2023 के लिए किसी के पास अगर वीरे ना हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट अभी रिलीज़ किया है इन्होंने ऑटोडेस्क वाले ने, और ये लेटेस्ट वर्जन है 2023 मैक्स का, तो कंपेटिबिलिटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये कहीं से मतलब इन्होंने बना दिया है, ये अभी सबके पास नहीं हो पाएगा या सबके पास नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी मेंशन करके बता सकते हैं कि अगर इन केस आपको ज़रूरत है तो मैं इसके लिए अलग से लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। और फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।